नमस्कार, जोहार आप सबों को। पता था कि हमारे बीच आदरणीय विधायक दल नेता तथा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री के रहने की बात थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी के कारण वो नहीं आ पाए हैं। हम लोग आज आदरणीय प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद जो उनके द्वारा दिए गए निर्देश हैं उन पर जो उनके निर्देशों का जो अनुपालन हो रहा है आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने जो हम सबों के उपस्थिति में आदरणीय जो हमारे चारों मंत्रीगण हैं उनकी सहमति से ये तय किया कि चूंकि आप सभी लोग लगातार जानते हैं कि लगातार आप लोग खबरें देते रहते हैं कि सरकार और बाकी लोगों के बीच संवादहीनता है, सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं है, तो इन सारी बातों को खारिज करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कोरोना के काल में जो विषम परिस्थितियां थी उसमें जो कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाता था वो रुक सी गई थी। अब फिर से एक बार प्रभारी हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी के निर्देशानुसार हम लोग ने तय किया है कि हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई होगी, जनता की समस्याओं से बारी बारी से एक एक मंत्री रूबरू होंगे और अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता भी आप सबों को मालूम है। अब जब सरकार के लोग कांग्रेस के मुख्यालय में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जनता को उसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ आदरणीय मंत्रीगण ने यह निर्णय लिया है कि कल आज बादल पत्रलेख जी जा रहे हैं और कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, जैसा कि वहां बैठक में हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि कम से कम एक मंत्री 6 जिलों का दौरा महीने में करेंगे। उसके मद्देनजर आज से शुरुआत हो गई है। बादल पत्रलेख जी आज गढ़वा गए हैं, कल आदरणीय आलमगीर आलम साहब रामगढ़ और हजारीबाग जाएंगे, साथ ही साथ सिमडेगा और गुमला के दौरे की खबर है। आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी जाएंगे, तो हम लोगों का सीधा मानना है कि जो इस तरह के दौरे होंगे और जो जनता से वो सीधे रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से जो जनता से कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव लोग बता रहे थे या संगठन से समन्वय का अभाव बता रहे थे उन चीजों पर भी विराम लगेगा और साथ ही साथ जिस ध्येय के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं, जो लोगों के काम का वादा करके आए हैं, उन वादों को पूरा करने में और कहां तक हम उन वादों पर खड़े उतरे हैं उनका मूल्यांकन करने में हमें आसानी होगी। अब हम समझते हैं कि आदरणीय हमारे विधायक दल नेता और मंत्री आलमगीर आलम साहब आपको पूरे विस्तृत रूप से कि वो किस तरह से दौरा करेंगे और दौरे में कैसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उस दौरे का। आलमगीर आलम साहब, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी और मीडिया के सभी मित्र, और जिसका पीसी में आप सबका सादर आमंत्रित किया गया है और आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। तो हमको लगता है कि
रांची का इस स्टेट का सारे मीडिया साथी आ गए हैं, इसलिए आप सबको धन्यवाद। अच्छा अच्छा माइक है, माइक है। आज जो कार्यक्रम आज के जो कार्यक्रम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग आप लोग को बताना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने आपके सामने रखने के काम किया है। हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी उमंग सिंगार जी आए थे और लगातार तीन दिन विधायक दल का मीटिंग से लेकर झारखंड के तमाम संगठनों के साथ, पुराने जो कांग्रेसी थे नेता थे उन लोगों के साथ बात विचार करने के पश्चात सभी मंत्री पीसीसी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जो थे और उमंग सिंगर जी के साथ बातचीत हुई। दो चीज उभर कर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने संगठन के जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है। और इस पर चर्चा होने के पश्चात हमारे माननीय प्रभारी जी के निर्देश सहप्रभारी के निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने यह तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे सुविधा अनुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, तो उसके बगल में दूसरा अगर जिला पड़ता है तो उस जिला में हम कर लेंगे, चाहे कोडरमा पड़ता है तो कोडरमा जा सकते हैं, अगर इधर देखे तो रामगढ़ है तो रामगढ़। उसी तरह हम लोग एक नए कार्यक्रम तय करके हम लोग ने सूचित कर दिया है। और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता है कार्यकर्ता है और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे उनको सारी चीजों को हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा पारी में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी दिन समाधान करने की काम करेंगे। इस दिशा में हम लोग हर जगह जो है जो कल आज जो गए हैं बादल जी उसके लिए मैसेज भेज दिया गया है, कल हम लोग जाएंगे तो उसके लिए पीसीसी ने सब जगह अवगत करा दिया, संगठन के लोगों को करा दिया और मंत्रिमंडल की तरफ से हम लोग की तरफ से जिला को भी संवाद दिया जाता है, पदाधिकारी को डीसी को दिया जाता है। तो उसी तरह हम लोग संवाद स्थापित करके जो भी दूर या कोऑर्डिनेशन की जो कमी है संगठन और सरकार के बीच में उस खाई को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए। और मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं भी हमारे पास, हम जितने भी सरकार के पास ज्यादा है अपेक्षा ज्यादा है। और कोविड महामारी के कारण आप लोग जानते हैं कि 31 मार्च तक जनवरी तक अभी भी लगा हुआ था पाबंदी, कुछ लगा हुआ था, कुछ शिथिल भी हुई है। तो इसलिए जिस तरह रैपिडली हम लोग जाते थे जिला में रुकते थे कुछ लोगों से मिलते थे वो ज्यादा बड़ा पैमाने पर हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार थोड़ा शिथिल हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर उसका समस्या को सुनेंगे और लिखेंगे और फिर उसको समाधान करने की प्रक्रिया के दिशा में आगे बढ़ने की काम हम लोग करेंगे। इसी दिशा में आज हम लोग आपके यहाँ पीसीसी का जो पीसीसी के मार्फत से जो आप लोग का आज कार्यक्रम रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से पूरे झारखंड के तमाम संगठन के लोगों को ये बात को सूचित करते हैं कि हमारे तो इन्फॉर्मेशन जिला के ओर से जाएगा ही, लेकिन ये बात उनको भी माने जब भी हम लोग का प्रोग्राम जाता है तो लोग भी अपना समस्या है उसको लेकर आए। दूसरा हम लोगों ने किया है कि हर एक महीना में 4 सप्ताह पड़ता है, 3.5-4 पड़ता है, तो हर सैटरडे एक एक मंत्री यहाँ पर बैठेंगे जो जिला के बाहर या इस जिला से जो भी आएंगे जो समस्या को लेकर आएंगे वो हमको देंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के काम हमारा यहाँ से पीसीसी से उसको करने की काम किया। तो हम जनता की जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी उसको संगठन के उसका भी हम दूर करेंगे, जनता की जो समस्या है उसको दूर करने की काम करेंगे। और मुझे लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद जो दिशा निर्देश हम लोगों ने सम्मिलित रूप से जो लिए हैं वो हमको लगता है कि जनता के हित के लिए और संगठन के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद।
सर ये ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के हाथ से बाहर हो रही है क्या, के यहाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जो आप क्षेत्र में जाएंगे, ये तो टूरिज्म हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, आप तो फिर जनता के, जनता सरकार आपके द्वार अगर हम लोग जा रहे थे तो ये क्या फेल्योर है कि सफलता है? ये सरकार की सफलता है कि सरकार जनता के पास जाना चाहती है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से अधिकारियों की मनमानी बढ़ती है कि जब हम समीप नहीं होते हैं, जनता की समस्याओं का हम सीधा समाधान नहीं कर पाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आते हैं निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का सही पूर्वक सही तरीके से निर्वहन करने के लिए आदरणीय मंत्रीगण उसमें जाएंगे, उसमें कहां कहीं दिक्कत की बात है, ये तो खुशी की बात है। नहीं सुनी जा रही है, यानी नहीं उसका उसका जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, हमने पहले ही कहा कि हमारे संगठन के लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार और संगठन में जो कोऑर्डिनेशन का कमी है, उस कोऑर्डिनेशन संवाद की जो कमी है उसको दूर करने के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं। और हम इसलिए इस प्रोसेस को अब लागू किए हैं कि पहले हम संगठन के लोगों से मिलेंगे, आम जनों से मिलेंगे, जो समस्या है उसका निष्पादन हम उसी दिन करने की कोशिश करेंगे। तो ये झारखंड के लिए, सारे लोग के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। आज हम कह रहे हैं कि हमने वृद्धा पेंशन जो यूनिवर्सल योजना के तहत चलाए, आज भी कुछ लोग को जानकारी नहीं हुआ है कि अब जितने का नाम छूट गया कहाँ जमा करना होगा। तो ये संवाद की कमी के कारण, तो उस बात को हम रखेंगे कि आज भी तुम्हारे पास उस समस्या का निदान हो सकता है, तुम आज भी फॉर्म भर के लेकर जाओ, तुम्हारा काम होगा। कोई आवास के लिए दिया है लेकिन उसके कोई कारण से उसका नाम सूचीबद्ध या कंप्यूटर में नहीं चढ़ा, तो आप देखो अभी भी ऑप्शन है, इसको आप तुम डालो, हम बोल देते हैं, ब्लॉक में बोल देते हैं, डीसी लेवल में बोल देते हैं, ताकि आपको नाम भी इनरोल्ड हो जाए। वैसे बहुत सारी ऐसी योजना है जो कमियां है उसको भी हमें जानकारी मिलेगा। हम तो सैकड़ों योजना चलाते हैं, हर विभाग से योजना चल रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, सब रेवेन्यू सब विषय, लेकिन वहां पर तो लोग आएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ म्यूटिशन काम करते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि जनता की अपेक्षा सरकार पर बहुत ज्यादा है, उस अपेक्षा के अनुरूप हम लोग उसका घर घर जिला जिला जाकर उसका काम करेंगे। आलमगीर जी आपकी सरकार के साथ एक बड़ा सवाल है, विकास प्रभावित हो रहा है, पंचायत चुनाव कब होगा, मनरेगा में लगातार घोटाले की बात सामने आ रही है। देखिए दो चीज हम कहना चाहते हैं, पंचायती राज का कोई काम में कभी नहीं आया, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक बार नहीं दो बार एक्सटेंशन किए हैं पंचायती राज के, जो में चुने हुए जो थे त्रिस्तरीय पंचायत का, उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था करके हर जगह जो हम लोग काम चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं जब घोटाले की बात आ रही है, जब काम चल रहा है तब ना घोटाले की बात उठ रही है, एक तरफ आप बोलते काम चल ही नहीं रहा, तो एक तरफ जब काम चलेगा तभी ना घोटाला का उजागर होगा। तो काम में कोई प्रभावित नहीं हुआ, काम हम कर रहे हैं, काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन बताइए कि आखिर क्या मजबूरी है कि पंचायत चुनाव नहीं। मजबूरी कुछ नहीं है, पूरे ऑल इंडिया बेसिस में आप देख लीजिए कि जब 2020 31 दिसंबर को दो हमारा चुनाव समाप्त होने का समय था त्रिस्तर पंचायती राज का, और उसके बाद उस समय जो महामारी था उस समय कराना उचित था या नहीं था, आप अपना दिल में झांक कर देखिए, उस परिस्थिति वैसा नहीं था। फिर हम लोग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत त्रिस्तर पंचायत राज चलाने के काम किए, उसके बाद दोबारा उसका एक्सटेंशन हम लोग ने किया, फिर हम लोगों ने घोषणा भी किए थे, और आज जो है सारी प्रक्रिया तैयार करके चुनाव आयोग को दिया गया है। अब चुनाव कब तिथि घोषणा होगा ये चुनाव आयोग ही करते हैं, हम नहीं करते हैं, कई चरण में होगा वो तय करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से सारी चीज को कंप्लीट कर दिया। धनबाद और बोकारो में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, भोजपुरी और मगही को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए ये सारी बातों का जो है हमारी सरकार संगठित सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और सारे विषयों का हम लोग का संज्ञान में है, और इसका उचित समय पर इसका निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग नहीं कभी भी ये नहीं सोचते हैं ये कोई भी लोग अपेक्षित हो, सबका यहाँ पर है जो विकास हो, सबका आगे बढ़े, यही हमारा विचार है, और सरकार इस पर संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन
निकाला। आलमगीर साहब डालने वाला जवाब नहीं हो गया, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। दो लाख से ज्यादा लोग जो है सड़क पे उतर जाते हैं। नहीं, दो लाख की संख्या किसने बताई? बात उसकी नहीं, हम लोग ये मानते हैं अगर दो लाख क्या, अगर 10,000 भी है तो हम समझते हैं कि उनकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। इसमें कहीं क्लियर नहीं कर रहे ना सर, आप स्टैंड क्लियर कीजिए। भोजपुरी नहीं, भोजपुरी अगर भोजपुरी पलामू की भाषा है, अगर अंगिका वहाँ संथाल की भाषा है, मगही हजारीबाग साइड में बोला जाता है, तो निश्चित रूप से मैथिली को कहाँ शामिल किया गया था? ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से शोर मचाती थी, अब चुप क्यों है? वो बताएं ना कि उनका स्टैंड क्या है। हम तो बता रहे हैं, वो बताएं जो इस तरह के लोगों को तूल देते हैं और इस तरह की बात करते हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए कि आपका मैथिली के लिए क्या स्टैंड है, आपका भोजपुरी के लिए क्या स्टैंड है। सरकार नहीं, भाजपा नहीं है। नहीं नहीं, आप सुनिए, मेरी मेरे सवाल को सुन लीजिए। सरकार भाजपा नहीं है, हर ठीकरा भाजपा को फोड़ के आप लोग नहीं। नहीं नहीं, आंदोलन आप ये बताइए ना कि अभी की सरकार के लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं, आप क्यों चुप बैठे? नहीं क्यों, हमने हर का अपना अपना तरीका होता है, हमने अपनी बात रखी है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कहीं बोलेगा, कोई कहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो सरकार में बोली जाती है, और सरकार में जो हमने कहना है वो हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, भोजपुरी मांगी धनबाद में होनी चाहिए थी। नहीं देखिए देखिए, चूंकि वहाँ धनबाद और भोजपुरी, धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी की बात कही गई है और मगही की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सभी लोगों से बातचीत करके लेती है। उसके बाद भी अगर वहां की भावना है, जनभावना है कि ये ठीक नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। आपने आपकी सरकार में जो गठबंधन सरकार है, जगन्नाथ महतो विरोध कर रहे कि भोजपुरी नहीं चलेगा। यही यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इसीलिए लोग अपने अपने तरीके से जीत के आते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। वो क्या कहेंगी, ये कौन क्या कहेगा, उसकी बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कह रहा है। सरकार सभी लोगों के विचारों को संग्रहण करके, संकलन करके तभी कोई फैसला ले। धन्यवाद। हम जवाब देते हैं, एक बोले ना, एक आदमी बोले। बगल के राज्य बिहार में लगातार हम लोग के पास इस तरह के सवाल आते हैं, जितने जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा। आपके बगल के राज्य बिहार में पंचायत इलेक्शन हुआ और बड़े लार्ज लेवल पे हुआ, झारखंड से बड़ा स्केल है उनका। आपके पास क्या, चुनाव आयोग पे बार बार बात फेंकते हैं, मुझे भी 5 महीने हो गए ये जवाब आपसे सुनते सुनते। आप एक कॉन्क्रीट जवाब दीजिए कि झारखंड में पंचायत इलेक्शन कब होगा? आप तो कोरोना भी नहीं है, थर्ड वेव भी खत्म हो गया, एक कॉन्क्रीट जवाब दीजिए। कितने बहुत जल्द, बहुत जल्द। देखिए मैंने कहा, मैंने नहीं हंसने वाली बात नहीं है, मैंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा जो काम, देखिए हम लोग बोले थे कि दिसंबर तक हम लोग कर लेंगे। पहले बोले थे हम नकार नहीं करते, नकारते नहीं, जो हमने नहीं कहा था। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति हुई, हम लोग उस समय नहीं करा पाए। फिर जैसे जनवरी आ जाता है, 5 जनवरी के बाद वोटर लिस्ट का सत्ता पुनर्निर्देशन होता है, इसलिए होता है कि 18 साल का लड़का लड़की जो होता है वोटर राइट्स उसको मिलता है, तो उसका भी हम लोग करा लिए। उसके बाद जो है शॉर्ट आउट करना पड़ता है बहुत, और ये वो सारे चीज हम करके उनको दे दिए। अब रही बात कि हमने कहा कि वो दिन तय खन जो है चुनाव आयोग ही करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बहुत जल्दी हम कराएंगे। और एक चीज आप लोग का बार बार हम कहना चाहेंगे कि त्रिस्तर पंचायत राज का जो पैसा खर्चा होना चाहिए, जो स्कीम लेना चाहिए था, वो काज में कहीं भी खलल या कमी नहीं आई है। इस बात को हम एक बार नहीं 10 बार बताना चाहते। किसी भी पंचायत में चले जाइए, कम से कम 15 से लेकर 5 योजना चल रहा है, आप उठाकर देख लीजिए। आज भी हमने मनरेगा योजना से लेकर सारे विभाग का भी मीटिंग करके हम वहां से आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग का इस सब में कमी नहीं है, लेकिन दिन खन समय ये करना बड़ी मुश्किल है। चुनाव का पास है, बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होगा। एक अनुरोध करेंगे,
कि विषय से विषयांतर होने से जो हमारी ये जिस चीज के लिए हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वो यही है, यही क्योंकि हमने पूछिए ना हमने अनुरोध किया है आपसे कि मेरा जो विषय है उस मेरा जो विषय है उसको प्रमुखता से लीजिएगा। ये जो सुनवाई होगी जनता दरबार में उसको मंत्री होंगे उन्हीं के विभाग से संबंधित नहीं नहीं सभी 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 विभाग का सभी चीज को सुना जाएगा। कोई अगर बीमारी है जो विभाग उनसे संबंधित नहीं 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 क्या सहयोग देखिए अपना विभाग तो यही है जैसे हम ग्रामीण विकास के मंत्री आए हैं। एक मिनट सरकार के सभी मंत्री जाएंगे या सिर्फ कांग्रेस के? नहीं हम तो अपना दल की बात हम तो अपना दल की बात कर रहे हैं। हम अपना दल की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे हम ग्रामीण विकास मंत्री हैं हमारा विभाग का जो समस्या है वो तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो। लेकिन मान लीजिए कोई आया कि गंभीर रोग से ग्रस्त है लेकिन उसका पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा है तो उसको भी तो हमको लेकर जाना पड़ेगा। अगर वो विभाग जो समस्या आएगी वो भी हम बोलेंगे तो नहीं नहीं वो विभाग कहीं नहीं करेगा उसके पास है राइट। एक डिप्टी कलेक्टर जो है या सीएस जो है वो लिखते हैं जिसका गंभीर ये है इसके लिए 5 लाख का अनुदान दिया जा सकता है तो वो नहीं करते हैं। स्वास्थ्य का जो उदाहरण दिया वो तो कांग्रेस के पास ही है लेकिन अगर शिक्षा का मामला हो हाँ तो वो भी सॉर्ट आउट कर देने वो जो होने का लायक है। आप मान लीजिए कोई शिक्षक का वेतन नहीं मिल रहा है मान लीजिए वो बोलते हैं कि सर मेरा कोई गलती नहीं है तो हम तो डीसी को बोल सकते हैं ना ये शिक्षक उस दिन रेगुलर था इसको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है इसको बोल सकते हैं। कोई शिक्षक रिटायर कर गया लेकिन उसका पेंशन अभी तक नहीं हो रहा है तो वो अगर हमारे पास आए तो बोले कि हमारा पेंशन नहीं मिलता है तो यहाँ से जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तो थोड़ा सा इसका कर दिया तो उसको तो हम कर सकते हैं। हम कोई नियम बनाने नहीं जा रहे हैं। जो काम हमारे यहाँ पर दिया हुआ है जो काम चल रहा है जिनसे जनता का असुविधा हो रहा है उसको हम सुविधा देने की काम करने की जा रहे हैं। लेकिन युवाओं की बात नहीं सुन पा रहे हैं। जीपीएससी हो सहायक पुलिस कर्मी हो सब पंचायत लगातार सुन भी रहे हैं। नहीं लगातार सुन भी रहे हैं और लगातार कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। जो चीज आप बहुत सारे हैं यही चीज बीजेपी के लोग भी आश्वासन देते हैं। आप सरकार में शामिल होने के बाद ये बात बोल रहे हैं फिर ये इसलिए आप स्टैंड उस चीज पे आप लोग का क्लियर नहीं है कि आप लोग उन लोगों को नियुक्ति देंगे या नहीं देंगे। बीजेपी के लोग ठीक है आप वाली बात दोहराते हैं। बीजेपी के लोगों को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप जब समझ रहे हैं कि हम सरकार में हैं तो हम निर्णय लेने वाले और निर्णय में सलाह देने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोगों को तो आंदोलन करना चाहिए वो करते नहीं है। वो आश्वासन दे रहे तो वो गलत कर रहे हैं। हम तो आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम लगातार उनके लिए अपनी सरकार तक बात पहुंचाते रहते हैं। हम संगठन के लोग हैं। हमारा काम संगठन के हिसाब से उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जिला अध्यक्ष भी रहते हैं तो जो समस्याएं आती है उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से मिलते रहते हैं विभागों मिलते रहते हैं। मंत्रीगण के जाने से उनको ये सुविधा होगी कि एक जगह लोग इतने जुटेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिलेगा। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील है। हमारा कहने का मतलब ये भी था कि चूंकि इस विषय पर हम लोग ये कर रहे हैं तो हमारा अनुरोध होगा कि ये विषय दुमका तक पहुंचे सभी जगहों तक पहुंचे कि मंत्रीगण कांग्रेस के जा रहे हैं और वो अपनी तरह से जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हो गया कल नहीं कंदल है और आप लोग गेम्स क्या कर रहे थे अच्छा